हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ये मैं दिख रही हूँ आप लोगों को गोलगप्पे खाते हुए। तो हम लोग थोड़े से आउटिंग के लिए गए थे बाहर, तो गोलगप्पे खा रहे हैं। एंड ये चीनी एंड चीकू थोड़े से पिक्चर्स क्लिक कराए, और ये एक बहुत सुंदर बैकग्राउंड लग रहा था तो पिक्चर्स ले लेते हैं हम लोग। हेलो, पापा को तो चम्मच मिल गई। हम लोग आए हम लोग के सोसाइटी के मंदिर में। देखो सुनो, एक कटोरी में सब्जी वाले ये वाली सब्जी वाले कटोरी। और यहाँ लाइट सही आ रही है। और क्या, बस यहाँ पे प्रसाद लेने आए हैं आज रामनवमी का। तो जैसे कि मैंने बताया, रामनवमी वाले दिन हम लोग की सोसाइटी में हम लोग प्रसाद लेने गए थे रात को। एंड बस ये प्रसाद ले रहे हैं और घर आ गए थे। चिको चिको, इधर फेस तो दिखाओ। क्या कर रहे चिको? होमवर्क क्वेश्चन रीड करो पहले। अ मैचिंग एक्टिविटी, रीड द सॉन्ग अगेन एंड मैच द पिक्चर्स इन द टू कॉलम्स। मैच इट। स्पैरो, एरो। अच्छा, राइमिंग वर्ड। हाँ, स्पैरो, स्पैरो। बहुत हालत बेहाल रख रही है मेरी। तो मैं अभी बैठी हूँ चुकू का वर्क कराने। एंड एक्चुअली अभी नाइट हो गया, नाइट टाइम है, डिनर भी हो चुका है हम लोग का। मैं आफ्टरनून में कुछ दूसरा काम कर रही थी, एक कबर्ड ऑर्गेनाइज कर रही थी, पूरा फैला के रखी हुई थी मैं। तो मैं इन लोग का पढ़ाई नहीं करा पाई थी आज, और पढ़ाई ऐसे कुछ शुरू नहीं हुए हैं, बट आज से इसको होमवर्क मिलना शुरू हुआ है। तो आज काफ़ी होमवर्क, चलिए गेट खोलो। तो आज काफ़ी होमवर्क मिला हुआ था एंड मैं करा नहीं पाई थी इसको। पूरा रूम फैला के रखी थी मैं कवर्ड ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो मैंने उसे शूट नहीं किया क्योंकि बहुत बुरी तरह से मैस हो रखा था। तो सबको प्रॉपर अच्छे से रखा एंड उसके बाद पूरा टाइम चला गया था मेरा। जो मैं आफ्टरनून में फ्री रहती हूँ वो टाइम पूरा चला गया था, तो फिर मैं इसका वर्क नहीं करा पाई। तो बस अभी कराने बैठी हूँ, डिनर भी हो गया एंड देखती हूँ आधी घंटा के अंदर अंदर हो जाएगा लग रहा है इसका वर्क, एंड बस फिर सोएंगे। तो मॉर्निंग में जल्दी स्कूल जाना रहता है बच्चों को, तो मैं सब्जी रात को ही कट करके रख रही हूँ ताकि सुबह जल्दी से बना लूँ। चीनी कहीं बाहर जा रखी है, चीकू अकेला था घर पे एंड मेरे हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस एंड शॉप। तो बस ये चीकू के साथ मैं मस्ती कर रही थी एंड उसको स्कूल में एक भजन सिखाए तो वही वो बता रहा था, बहुत सुंदर गा रहा था। एंड ये है मस्क मेलन जो मैं काट के रख रही हूँ फ्रिज में, फिर मेरे हस्बैंड आएंगे तो खाएंगे उसको ठंडा ठंडा। इसलिए मुझे तो इतना खास पसंद नहीं है, बट वही मेरे हस्बैंड खाते हैं। एंड बस शाम को हम लोग बाहर चले गए डिनर के लिए। मम्मी मंचूरियन की पनीर चिल्ली। पापा है, मम्मी है और दीदी का है। ये हमारा खाना है। दीदी का है, दीदी गई है। अच्छा, ओके। हेलो, तो आज मैं बना रही हूँ ये चावल के आटे का मोटा चिल्ला टाइप का, रोट टाइप का, एंड टमाटर की चटनी। तो मैंने तैयारी कर ली है, टमाटर वगैरह काट लिया है, थोड़ा सा अदरक किस लिया है एंड थोड़ी सी हरी मिर्च। एंड मीठा नीम अभी ख़त्म हो गया है, नहीं तो वो भी लेती। एंड दिखाती हूँ, ये मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला, देन सरसों के दाने, देन जीरा एंड छोटा सा हींग डाला। एंड
एंड उसके बाद ये अदरक खूब सारा पीस के एंड उसके बाद ये टमाटर काट के एंड हरी मिर्च दो तीन एंड टमाटर मैंने 5-6 ले लिया है एंड ये वाली जो है चिल्ला मोटा रोट टाइप का पैनकेक टाइप का ये मेरी मम्मी बनाती है, तो मेरा मन हो रहा था आज खाने का एंड कोई है नहीं घर पे, तो मेरे पसंद के अकॉर्डिंग बना रही हूँ मैं एंड इसके साथ ये वाली चटनी बनाती हूँ मैं, अच्छी लगती है, मम्मी बनाती है एक्चुअली तो मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं भी बना रही हूँ एंड इसमें डालूँगी नमक। बस इसमें सिंपली मैंने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लिया एंड उसके बाद कवर करके रख लिया अच्छे से टमाटर पक जाए तब तक, एंड थोड़ी सी मीडियम थिकनेस की रहती है, ये सब्जी टाइप आप बोल सकते हैं या टमाटर की खट्टी मीठी चटनी भी बोल सकते हैं, तो मैं एज़ चटनी खाने के लिए इसको बना रही थी और मीडियम थिकनेस रखा है मैंने एंड इसको अच्छे से टमाटर को मैश करते हुए पकाना है ताकि वो घुटी घुटी टाइप की अच्छी बनती है एंड थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया अराउंड हाफ ग्लास क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था एंड ये खट्टी मीठी बने इसके लिए मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा गुड़, शक्कर बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं तो मैंने गुड़ ऐड किया एंड अगेन अच्छे से मैश करते हुए उसे थोड़ा सा और पका ले रही हूँ और बस ये आप चाहें तो जितना आपको थिकनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं एंड गैस को ऑफ़ कर सकते हैं एंड अभी इसमें मैं थोड़े से सूखे मसाले डाल रही हूँ, आप चाहें तो सूखे मसाले छौंक में भी डाल सकते हैं, तो नॉर्मल रेगुलर मसाले धनिया पाउडर हल्दी पाउडर एंड लाल मिर्च पाउडर एंड इसमें धनिया पत्ती जो रहती है ग्रीन धनिया पत्ती वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका, बट अभी था नहीं वो तो इसलिए मैंने नहीं डाला एंड बस ये रेडी है, बहुत टेस्टी लगती है एंड पैन केक के लिए मैंने लिया है चावल का आटा, रेडीमेड जो चावल का आटा आता है वो लिया मैंने, अराउंड 4 कटोरी लिया था, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं एंड थोड़ा मोटा ये चीला बनता है तो आप मान के चलो कि 1 कटोरी का 1 रोट बन जाता है एंड इसमें मैंने पानी से इसे बैटर बना लिया और इसमें आप चाहें तो अनियन भी डाल सकते हैं और अगर आप अनियन नहीं खाते हैं तो मूली को भी किस करके डाल सकते हैं ग्रेट करके, और धनिया पत्ती हरी मिर्च कट करके डाल सकते हो और थोड़ा साबुत जीरा डाल सकते हो, तो मैंने मूली नहीं था मेरे पास तो मैंने नहीं डाला था, मैंने कैबेज डाला है थोड़ा सा एकदम बारीक ग्रेट करके एंड धनिया पत्ती हरी मिर्च डाला नमक डाला एंड इसके बाद मैंने इसमें हल्का सा 1 पिंच सोडा डाल दिया था बस, और नॉर्मल पानी से इसका बैटर रेडी कर लिया और तवे में जैसे आपने देखा गरम किया तवे को एंड उसके बाद 1 टीस्पून ऑयल डाल के पहले दैन उसके बाद ऊपर से जैसे उत्तपम डालते हैं वैसे थोड़ा मोटा फैलाते हुए उसको पैनकेक के फॉर्म में डाल दिया एंड वो अच्छे से पक जाए इसलिए मैंने उसे कवर करके एकदम स्लो फ्लेम पे रख दिया ताकि वो अच्छे से पक जाए अंदर तक एंड आफ्टर दैट एक बार मैंने फ्लिप कर दिया उसे एंड अगेन उसमें ऑयल लगा के अच्छे से सेक लिया दूसरे साइड भी, तो बस इसको अच्छा गोल्डन ब्राउनिश कलर हो जाएगा तब तक सेक लेना है और बहुत सिंपल सा पैनकेक है ये, बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने सोचा इसको शेयर कर देते हैं रेसिपी को एंड ऊपर से ये मैं हल्का सा घी लगा रही हूँ एकदम हल्का सा ताकि वो घी का फ्लेवर भी आ जाए थोड़ा सा, और अगेन कवर करके रख दिया तो बस अंदर से पक गया था, एकदम स्लो फ्लेम में करना चाहिए क्योंकि फिर वो अंदर नहीं तो कच्चा रह जाता है, तो बस जैसे आपने देखा ये दोनों साइड से सिक गया है तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया एंड 2-3 और बन गए थे तो उसे भी ऐसे ही बना लिया एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको ट्राई करके देखना अगर आप एक क्विक रेसिपी चाहते हैं। ये बनके तैयार है चावल के आटे का रोट पैनकेक आप बोल सकते हैं एंड ये टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, मैंने इसमें खटाई के लिए कुछ भी नहीं डाला है बट खट्टा टमाटर रहता है, टमाटर की अपनी एक खटास रहती है तो वो एंड मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला था तो मस्त वाली खट्टी मीठी चटनी बनी है, अब सब्जी भी बोल सकते हैं टमाटर की एंड ये साथ में खाएंगे हम लोग।